अब हम लोग डार्विन वाद को पढ़ेंगे। जैविक उद्विकास के सिद्धांत के अंतर्गत डार्विन वाद, राइट। और डार्विन वाद को समझने के लिए एक तो पहले आपको समझना है कि इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्रतिपादक का नाम है चार्ल्स डार्विन। और फिर यहाँ पर आप उसी तरीका को फॉलो करेंगे कि डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। राइट। और ये पुस्तक डार्विन ने लिखी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसमें डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसको प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राइट। जो डार्विन का जो सिद्धांत है जिसको आप डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, इसको डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का 5 महत्वपूर्ण पार्ट है। जब फर्स्ट राउंड में आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें 5 चीजों की आपको जानकारी रखनी है, राइट। 5 चीज में पहला जो चीज है जो डार्विन कह रहे हैं, वो पहला चीज कह रहे हैं कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। राइट। यानी ओवर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है जीव में। राइट। कोई भी चीज जब पढ़ने जाते हैं तो उसके याद करने का, उसको समझने का तरीका है कि पहला चीज हम उस पर बात करते हैं कि है क्या, यानी डार्विन बात किसको बोलेंगे। तो जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में किया है, उसी को डार्विन वाद के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्टेप है कि उसमें डार्विन ने क्या क्या कहा, तो उसमें 5 चीज की जानकारी आपको रखनी है, जिसमें पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा डार्विन कह रहे हैं कि उत्तर जीविता के लिए संघर्ष, ये दूसरा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तीसरा डार्विन कह रहे हैं विभिन्नता की बात कर रहे हैं, वेरिएशन। और चौथा डार्विन कह रहे हैं योग्यतम की उत्तरजीविता अथवा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और पांचवा डार्विन कह रहे हैं प्रजाति निर्माण, रेस फॉर्मेशन। राइट। तो अगर कोई व्यक्ति डार्विनवाद को पढ़ने जाता है, समझने का प्रयास करता है, तो मेरे समझ से
फर्स्ट राउंड में उसे इन पांच चीजों की जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब एक एक करके हम इन पांच चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि रियल में डार्विन इसके अंतर्गत क्या कहना चाह रहे हैं, यह डार्विन ने क्या कहा था। तो देखो, डार्विन का जो मेथड था, स्टडी का मेथड था, ये नेचर का ऑब्जर्वेशन डार्विन ने किया था। डार्विन ग्लेपोगस आइलैंड में हीगल नामक एक जहाज था, उस पर अभियान यूरोप से किया गया, उस पर डार्विन भी गए। और दक्षिण अमेरिका में ग्लेपोगस आइलैंड है, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है जीवों के बीच, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी आज भी है वहाँ पर। तो डार्विन वहाँ जाते हैं और डार्विन का जो मेथड था वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ध्यान ये रखना। डार्विन ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया था। तो डार्विन जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डार्विन ने देखा कि जीव बहुत ज़्यादा संतान उत्पन्न करते हैं, जीवों में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहला जो डार्विन कह रहे हैं सिद्धांत कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन जीवों की जनसंख्या स्थिर रहती है। इसमें दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट वो कह रहे हैं कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है, तो दूसरी पार्ट में कह रहे हैं कि जीवों की जनसंख्या स्थिर रहती है। अब देखो, ये दूसरा जो पार्ट है, जीवों की जनसंख्या स्थिर रहती है, इस पार्ट के प्रतिपादन में डार्विन माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत से प्रभावित थे। इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में आप माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को शायद पढ़े होंगे, है ना। तो माल्थस अपने जनसंख्या सिद्धांत में भी ये बात कह रहा था कि जीव जो रिप्रोडक्शन करता है जिस रेट से, वह ज्यामितीय रेट से है, यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस रेट से, और संसाधन जो है में वृद्धि अंक गणितीय रेट से होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। उसमें माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या स्थिर रहती है क्योंकि प्रकृति जनसंख्या को सीमित कर देती है। डार्विन ने केवल उनके स्थिर रहने को लिया, माल्थस ने जो इंसाइट दिया कि जनसंख्या स्थिर रहती है, डार्विन ने इस चीज को लिया। डार्विन ने जब वाच किया तो देखा कि जो जीव बच्चे पैदा करते हैं उसमें से अधिकांश बच्चे मर जाते हैं, और एक पेयर से एक ही बच्चा जीवित बचता है, बाकी मर जाता है। ये आमतौर पर डार्विन ने ऑब्जर्वेशन किया, और इसलिए डार्विन ने फर्स्ट जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कहा कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन जनसंख्या स्थिर रहती है। दूसरा जो डार्विन ने सिद्धांत का जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में डार्विन ने कहा कि चूंकि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है लेकिन संसाधन सीमित होता है, राइट, इसलिए जीवों में स्वयं को उत्तरजीवी बनाए रखने के लिए आपस में संघर्ष होता है, और यह संघर्ष तीन स्तर पर होता है, ये ध्यान में रखना। ये तीन स्तर पर होता है, एक तो अंतः जातीय संघर्ष, दूसरा अंतर जातीय, और तीसरा वातावरण के विरुद्ध। यानी कि एक स्पीशीज के सदस्य आपस में संघर्ष करते हैं, और ये संघर्ष करते हैं सेक्स के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए, यानी काम भोजन और सुरक्षा संरक्षण,
या आवास आप लिख सकते हैं हिंदी में, है ना। जैसे आप मनुष्य मनुष्य के बीच का संघर्ष देख सकते हैं, एक स्पीसीज से हम बिलोंग करते हैं तो हमारे बीच ये संघर्ष है। दूसरा में उन्होंने कहा अंतर जाति यानी दो भिन्न स्पीसीज के सदस्यों के बीच संघर्ष, और दो भिन्न स्पीसीज के सदस्यों के बीच का जो संघर्ष है वह संघर्ष भोजन और आवास के लिए है। और तीसरा, सभी जीव वातावरण के बीच संघर्ष करते हैं, एयर के लिए संघर्ष करें, वाटर के लिए संघर्ष करें, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो डार्विन दरअसल इसके और इसके बीच कोरिलेशन स्थापित कर रहे हैं, और इस कोरिलेशन के आधार पर ही डार्विन कह रहे हैं कि जो जीवों की जनसंख्या स्थिर होती है उसका कारण है कि जीव आपस में संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंतर्गत डार्विन ने कहा विभिन्नता, वेरिएशन, तीसरा डार्विन कह रहे हैं विभिन्नता, है ना, वेरिएशन। और इसके अंतर्गत डार्विन कह रहे हैं कि विभिन्नता जीवों का प्राकृतिक गुण है। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो जीव एक समान नहीं है, इवन कि वो अगर एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहा तब पर भी एक समान नहीं है। इसलिए यहां पर डार्विन ने कहा कि विभिन्नता जो है, वेरिएशन जो है, जीवों का मौलिक गुण है, क्योंकि कोई भी दो जीव आपस में शारीरिक संरचना में, भौतिक विशेषता हो, व्यवहारिक विशेषता हो, मनोवैज्ञानिक विशेषता हो, उसमें एक समान नहीं है। इवन वो अगर एक स्पीसीज से बिलोंग कर रहा तब पर भी एक समान नहीं है, दो जीव क्वाइट डिफरेंट है। फिर डार्विन ने इसमें कहा कि विभिन्नता जो है ये दो तरह की है, एक है अनुकूली विभिन्नता और दूसरा है प्रतिकूली विभिन्नता, है ना, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएशन। डार्विन कह रहे हैं कि जिस जीव में फेवरेबल वेरिएशन होती है वह उत्तरजीवी होता है, वह संघर्ष में उत्तरजीवी होगा, है ना। जैसे मान लो कि बाघ जो है वो बकरी को भी खा सकता है और हिरण को भी खा सकता है, लेकिन हिरण में तीव्र गति से भागने की क्षमता है और बकरी स्लो गति से भागेगी, तो जब बाघ अटैक करेगा तो बकरी आराम से पकड़ में आ जाएगी। तो इस संघर्ष में जो बकरी के पास वेरिएशन है फास्ट गति करने का वो कम है, जबकि हिरण के पास ज्यादा है, उसके कारण हिरण बच जाएगा। तो डार्विन कह रहे हैं कि जिस जीव में अनुकूली विभिन्नता है वह संघर्ष में उत्तरजीवी होता है, और जिस जीव में प्रतिकूली विभिन्नता है वह संघर्ष में पराजित हो जाता है। इसलिए विभिन्नता का जो भूमिका है वह विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर डार्विन ने बहुत फोकस किया है कि विभिन्नता न केवल प्राकृतिक गुण है बल्कि जैविक उद्विकास में विभिन्नता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। चौथा, जब डार्विन योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। यहाँ डार्विन कह रहे हैं, फिर इसको कोरिलेट करेंगे विभिन्नता वाले थ्योरी से, और उसमें डार्विन कह रहे हैं कि जिन जीवों में अनुकूली विभिन्नता होती है उसका प्रकृति धनात्मक चयन करती है और वह सर्वाइव करता है, क्योंकि उसकी योग्यता जो है, उसकी योग्यता क्या है, अनुकूली विभिन्नता। और जो अनुकूली विभिन्नता है
उस अनुकूली विभिन्नता का ये प्रकृति धनात्मक चयन करती है, पॉजिटिव सिलेक्शन। तो इस धनात्मक चयन का मतलब क्या है, है ना? इसमें दो चीजें हैं। पहला कि उस अनुकूली विभिन्नता के कारण वह जीव अपने वातावरण से, पर्यावरण से अनुकूलन करने में सक्षम है, है ना? एडप्टेशन करने में सक्षम है। एक तो कि वो संघर्ष में उत्तरजीवी होता है क्योंकि उसके पास अनुकूली विभिन्नता है, और इसके कारण वो अपने पर्यावरण के साथ एडप्टेशन करने में उसको सहूलियत होती है, वो पर्यावरण के अनुकूल है, उसके सूटेबल है। इसलिए प्राकृतिक चयन में एक तो सूटेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और दूसरा डार्विन कह रहे हैं कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्राकृतिक चयन का पार्ट है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि प्राकृतिक चयन जब बात हम कर रहे हैं तो उसमें केवल प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट है, रिप्रोडक्शन अलग तरह से प्रजनन करना, प्रजनन में विभिन्नता, अंतर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस। जैसे यहां पर ध्यान ये रखना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जीव संघर्ष में बच गया। इट इज नॉट ए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इट इज नॉट ए नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप समझते हो, कई छात्रों से मतलब का इस तरह का कंसेप्ट है कि प्राकृतिक चयन का मतलब है कि प्रकृति के साथ सूटेबिलिटी, ये एक पार्ट है। एडप्टेबिलिटी, अनुकूलन एक पार्ट है उसका। प्राकृतिक चयन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या जोगित्रम की उत्तरजीविता का मतलब है कि जो जीव बच गया, है ना, संघर्ष में जो बच गया, लेकिन उसने रिप्रोडक्शन करके अपनी उस विभिन्नता को अगली पीढ़ी में वंशागत किया। अगर वो जीव बच गया और उसके पास जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को वह जीव अगली पीढ़ी में इनहेरिट नहीं कर रहा, तो वह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, वह प्राकृतिक चयन नहीं है। इसलिए गलती से आप ये मत समझिएगा कि जो संघर्ष हो रहा था उस संघर्ष में जो बच गया वह उत्तरजीवी हो गया और वह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, वो योग्यता योग्यतम की उत्तरजीविता है या प्राकृतिक चयन है, वो उसका आधा पार्ट है। डार्विन कह रहे हैं कि योग्यता की उत्तरजीविता का मतलब है कि प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन और फिर उस लक्षण का अगली पीढ़ी में इनहेरिटेंस। जब वो लक्षण अगली पीढ़ी में इनहेरिट करेगा, उसकी वंशागति होगी, तब जाके वो प्राकृतिक चयन है और तब जाके वो योग्यतम की उत्तरजीविता है। केवल उस जीव द्वारा संघर्ष में अपने को बचा लेना योग्यतम की उत्तरजीविता नहीं है, राइट? ये चीज आपको यहां समझने की जरूरत है जहां पर डार्विन ने ये बातें कही है। इसलिए आमतौर पर जो इंटरेक्शन मैं करता हूं, कई लोग जो कि मतलब मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनमें भी इस तरह का फॉल्ट रहता है। ये फॉल्ट दूर करके रखना है कि प्राकृतिक चयन का मतलब केवल और केवल प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें लक्षण का अगली पीढ़ी में रिप्रोडक्शन के माध्यम से इनहेरिटेंस भी शामिल है। यानी लक्षण अगली पीढ़ी में गया तभी फिटेस्ट है वो, अगर नहीं गया तो वो योग्यतम की उत्तरजीविता नहीं है, वो प्राकृतिक चयन नहीं है। और इसके बाद जो डार्विन कह रहे हैं कि प्रजाति का निर्माण, है ना, पांचवा प्रजाति का निर्माण, तो इसमें डार्विन कह रहे हैं कि जो अनुकूली विभिन्नता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाकर के, और धीरे 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 वो उसका एक्युमुलेशन होता है, वो संग्रहित होते जाता है और कई पीढ़ियों के बाद नई प्रजाति का निर्माण होता है जिससे जैविक उद्विकास होता है, राइट। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको पढ़ते हैं, डार्विनवाद को पढ़ते हैं, तो इसमें जो हमने कहा कि पांच इंपॉर्टेंट इसके आस्पेक्ट है, और उस पांच इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है उसके अलग अलग जो आस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखना है, तब जाकर के आप डार्विनवाद को समझ सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आपको डार्विनवाद में यहां भी आपको आलोचना करनी है ना, कि जो डार्विन का जैविक उद्विकास का सिद्धांत है इसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां आपको आलोचना भी समझनी है। है ना, क्योंकि एक कंप्लीट सेट आपको रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है कि इतनी बातों में से अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट्स में हमें लिखना भी है, यानी बहुत सारी चीजों को हमें छोड़ना होगा, है ना। हो सकता है एक फ्लो चार्ट आप बना लें, जब शॉर्ट नोट लिखना हो तो पांच जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक फ्लो चार्ट पहले प्रेजेंट कर दीजिए कि पांच चीजें हैं, है ना, और उसके बाद दो दो लाइन में आप उसको लिख डालिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप ये लिखें कैसे, जानकारी प्राप्त करना आसान काम है, क्वेश्चन का आंसर लिखना उसे बहुत ही टफ काम है जिस क्वेश्चन में आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर लें। अब देखिए आलोचना का जो पक्ष है उसमें एक तो इंपॉर्टेंट आलोचना है गॉस ने किया है, जिसको गॉस के नियम भी बोलते हैं हम लोग। ये गॉस ने क्या किया, कहा कि जब इसने ऑब्जर्व किया तो देखा कि अगर इसका सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधन की कमी है, तो गॉस कह रहा कि संसाधन की कमी में जीव हमेशा आपस में संघर्ष नहीं करते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर स्कार्सिटी कम स्कार्सिटी हो गया रिसोर्सेज का, तो कुछ जीव समूह वहां से दूसरे पर्यावरण में चला जाएगा, है ना। गॉस कह रहे हैं कि जीवों में संसाधनों की कमी होने पर कुछ जीव या जीवों का समूह एक नए पर्यावरण में प्रवसित हो जाते हैं, और नए पर्यावरण में प्रवसित होने के बाद वे प्रवसित जीव, माइग्रेटेड जीव, उस नए पर्यावरण के साथ नए ढंग से समायोजन करते हैं, जिसके कारण जैविक उद्विकास होता है। जबकि डार्विन क्या कह रहे हैं कि संसाधन सीमित है इसलिए वो संघर्ष करेंगे। तो डार्विन का पक्ष है कि संघर्ष करेंगे, गॉस कह रहे हैं कि हमेशा संघर्ष नहीं होता है। हम लोग भी देखते हैं माइग्रेट कर जाता है, मनुष्य में भी माइग्रेशन है कि जहां लोगों को जॉब नहीं मिल रहा वहां से छोड़ के दूसरी जगह आप जा रहे हैं। पक्षियों में है, साइबेरियन पक्षी जो है आपको प्रति साल जो है बेगूसराय में आती है, कांवड़ झील में आती है, है ना। तो उतना जो है बड़ा माइग्रेशन हो रहा है जीवों के बीच, तो उतना बड़ा जो माइग्रेशन है उस माइग्रेशन को अगर हम कहें कि संघर्ष से ही करेगा जीव, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरी जो आलोचना है डार्विन की, कि जैसे डार्विन ने कहा कि विभिन्नता जीवों का मौलिक लक्षण है, लेकिन डार्विन को यह नहीं पता था कि विभिन्नता का कारण क्या है, विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, विभिन्नता का ओरिजिन कैसे होता है, राइट। इसकी जानकारी हमें ह्यूगो डेविड्स देते हैं उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में, जो कि न्यू डार्विनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी एक डार्विन की बहुत बड़ी आलोचना है ना, विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है इसकी जानकारी डार्विन को नहीं थी। डार्विन यह नहीं बता सके कि विभिन्नता की उत्पत्ति का कारण क्या है, राइट। कैसे विभिन्नता उत्पन्न होती है, अगर आप थ्योरी प्रतिपादित करते हैं, और डार्विन के थ्योरी का यह कोर है कि
विभिन्नता का रोल, जैसे हमने लेमार्क के बारे में बात किया कि लेमार्क कहते हैं कि वातावरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह से डार्विन कहते हैं कि विभिन्नता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जैविक उद्विकास को समझना है तो उसमें विभिन्नता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि विभिन्नता कहाँ से आ रही है, वेरिएशन कैसे उत्पन्न हो रही है। तो ये डार्विन की बहुत बड़ी आलोचना है। और तीसरी जो डार्विन की आलोचना है उसमें है कि डार्विन को वंशागति की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। इसका सॉलिड जानकारी उनके पास नहीं था। डार्विन जो है वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में विश्वास करते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो कि गलत कंसेप्ट है ना। डार्विन का ये कंसेप्ट था कि जो लक्षण माता और पिता से लक्षण जो संततियों में आते हैं वे लक्षण आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, है ना। डार्विन का ये कंसेप्ट था कि अगर माँ गोरी है और पिता काला है तो जो संतान पैदा होगा वो सांवला हो जाएगा। ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, मिश्रित वंशागति के सिद्धांत में डार्विन विश्वास करते हैं। लेकिन मेंडल ने जब 1866 ईस्वी में अपना वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो मेंडल ने कहा कि जो लक्षण हैं, जो अलील आती हैं माता से और पिता से संततियों में, वो अलील हमेशा शुद्ध रूप में रहते हैं, प्योर रहते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। इसलिए संतान में जो लक्षण है वो माता और पिता दोनों के लक्षण हैं, लेकिन वो लक्षण आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेट रहते हैं, अगले पीढ़ी में फिर निकल के चले जाते हैं, राइट। तो ये डार्विन का जो कंसेप्ट था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था, ये रॉन्ग अवधारणा पर आधारित था। इसलिए यहां पर डार्विन की आप आलोचना कर सकते हैं, राइट। ये तीन महत्वपूर्ण डार्विन की आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जब निष्कर्ष लिखेंगे इस पूरे में तो निष्कर्ष आप फिर लिखेंगे कि इस प्रकार डार्विन के जैविक उद्विकास के सिद्धांत की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, किंतु इन सीमाओं के बावजूद जैविक उद्विकास के अध्ययन में डार्विन की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को आज भी जैविक उद्विकास के अध्ययन में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो सेंट्रल फैक्टर है जैविक उद्विकास में, और इसलिए जैविक उद्विकास में डार्विनवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं।